दोस्तों, हम लोग एलियंस के बारे में काफी क्यूरियस होते हैं, उन्हें जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन सोचिए अगर ऐसा टाइम आ जाए जब एलियंस हमारे प्लेनेट पर अटैक करने लगे। आज की मूवी इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलियन से पहला वॉर 1996 में हुआ था और आज 20 साल बाद अर्थ एक पीसफुल सिचुएशन में है। सारी कंट्रीज ने अपने डिफरेंस को साइड रखकर ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस की फाउंडेशन की। पुरानी स्पेसशिप के गिरे हुए टुकड़ों से उन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी से ऐसा अलर्ट सिस्टम बनाया जिससे किसी भी थ्रेट का पहले ही पता चल जाएगा। ESD ने एरिया 51 में हेडक्वार्टर्स बनाए और साथ ही मून, मार्स और सैटर्न के मून में अपने बेस बनाए। अर्थ के लोग इस बात से अनजान है कि एलियंस दोबारा हमारे प्लेनेट पर हमला करने का मौका देख रहे हैं। पुराने प्रेसिडेंट व्हाइटमोर के इस हमले के सपने आते हैं। वो इन सपनों में अजीब सी सर्कुलर फिगर देखता है जिसमें एक लाइन है। वो इन्हें ड्रॉ करता रहता है। मून के बेस पर जेक और चार्ली बेस डिफेंस सिस्टम में जायंट वेपन बनाने के लिए नए पार्ट्स उठा रहे हैं। जब अचानक कुछ अजीब चीजें होने लगती है और हैंडल से वेपन छूटने लगते हैं। कमांडर जियांग उन दोनों को वहां से हटने को कहता है, लेकिन जेक ऑर्डर को इग्नोर करके शिप यूज करके वेपन को वापस ढकेलता है। वो फ्यूजन ड्राइव स्टार्ट कर देता है जिससे शिप में आग लग सकती है, लेकिन उसका आइडिया काम कर जाता है और वो वेपन को वापस रख देता है। जब वो बेस पहुंचता है तो जियांग उसे डांटते हुए इस गलती के लिए ब्लेम करता है और उसे बेस पर जाने से मना करता है। एरिया 52 में जनरल एडम्स को इमरजेंसी के लिए बेस पर बुलाया जाता है। जिन एलियंस को उन्होंने 20 साल पहले पकड़ा था वो अभी तक कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो सब उठ चुके हैं और अपने केजेस को हिलाने लगते हैं। डेविड अफ्रीका में फ्लॉयड के साथ है जो कि एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंट्रोलर है। वो वॉरलॉर्ड उम्बुटू और उसकी फोर्स से मिलता है जिसका हेडक्वार्टर एलियन की हड्डियों से घिरा हुआ था। वो डेविड को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन बात बिगड़ने से पहले कैथरीन फोर्स को बताती है कि डेविड उसके साथ है। कैथरीन कुछ समय से यहाँ पर उम्बुटू का एलियंस के साथ साइकिक कनेक्शन समझने की कोशिश कर रही है। कैथरीन डेविड को शिप के पास लेकर जाती है जो 20 साल पहले अर्थ पर लड़ने आई थी। यहाँ के लोकर्स ने उन सब एलियन से लड़ाई करी थी जो इस शिप से 10 साल तक बाहर आते रहे। उम्बुटू बताता है कि शिप की लाइट 2 दिन पहले अपने आप ऑन हो गई। उन्होंने एक ग्राउंड पर हुए बहुत बड़े गड्ढे को डिस्कवर किया जिससे पता चलता है कि एलियंस उनके प्लेनेट में छेद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉर में हार जाने की वजह से रुक गए। वो लोग शिप के अंदर जाते हैं जहाँ एक कंप्यूटर दिखता है जिससे कोई सिग्नल भेजा गया था। डेविड को पता चलता है कि ये एक डिस्ट्रेस कॉल है जिसका कोई जवाब दे चुका है। मून में हम देखते हैं कि जेक अपनी गर्लफ्रेंड पेट्रिसिया से वीडियो कॉल कर रहा होता है जो कि पुराने प्रेसिडेंट वेटमोर की बेटी है। पेट्रिसिया उसे बताती है कि इंटरनेशनल लेगेसी की स्क्वाड मून के बेस पर जल्दी आएगी जिसमें उनका दोस्त डैलन भी होगा। कुछ टाइम बाद वहाँ स्क्वाड पहुंच जाती है और सब लोग डैलन को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो पहले वॉर हीरो स्टीवन का बेटा है। अगले दिन एरिया 51 के मेडिकल रूम में डॉक्टर आइसेक्स उसके हस्बैंड ओकुन के पास जाते हैं जो कि पिछले वॉर के बाद कोमा में चला गया था। ओकुन जब अचानक उठ जाता है तो आइसेक शॉक हो जाता है। ओकुन को पता ही नहीं कि उसे कोमा में 20 साल बीत गए। कैथरीन का ध्यान अब भी सर्कल वाली ड्राइंग्स पर था। उम्बुटू ने अपने ऑफिस ले जाकर वो सब ड्राइंग्स दिखाता है जो उसने अपने विजन से बनाई है। उसे तब से आ रहे हैं जब से शिप में हलचल होनी शुरू हुई है। उम्बुटू एलियंस की लैंग्वेज को भी समझने लगा है। मून में हर कोई पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्हें उनके सामने एक पोर्टल दिखने लगता है जो कि वॉर्म होल था जिसमें से इम्बुटू के विजन्स की तरह दिखने वाली मशीन आने लगती है। वो प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड और डेविड को ट्रांसमिशन भेजते हैं जिन्हें पता चलता है कि ये एक स्पेसशिप है। लैंडफोर्ड उन्हें अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड कहता है कि ये पिछले अटैक की तरह दिखने वाला स्पेसशिप नहीं है। हो सकता है कि ये किसी और एलियंस का स्पेसशिप हो जिनकी कुछ और इंटेंशंस हो। लैंडफोर्ड ESD काउंसिल्स की वोट करवाता है और सब अटैक करने के लिए वोट करते हैं। जियांग बेस से जॉइंट वेपन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो स्पेसशिप आसानी से फट जाता है। डेविड चाहता है कि वो लोग इस शिप को चेक करें, तो लैंडफोर्ड एक साइंटिस्ट की टीम को वहां जाने के लिए कहता है और डेविड को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वापस DC जाने के लिए कहता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। लैंडफोर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि उन्होंने अर्थ को दूसरे अटैक से डिफेंड कर दिया है। व्हाइटमोर यह न्यूज टीवी में देखकर घबराता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एलियंस पहले वाले एलियंस से अलग है। उसे लगता है कि उन्हें सबको वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन पेट्रिसिया उसे शांत करती हुई नई प्रेसिडेंट पर भरोसा करने को कहती है। वेटमोर उसकी बात मानकर अपने रूम में जाता है, लेकिन जब उसकी बेटी वहां आती है तो वो अपने रूम में नहीं था। दूसरी तरफ जेक डेविड की फ्रस्ट्रेशन को समझ चुका था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। वो जियांग से चोरी छुपके एक शटल चोरी करके अफ्रीका जाता है जहाँ वो डेविड, फ्लॉयड, उम्बुटू और कैथरीन को पिक करता है।
वो लोग उस शिप के पास जाते हैं जहाँ जेक और डेविड उसे ठीक करने के लिए रेडी होते हैं। अर्थ में उनकी एलियंस पर फर्स्ट वॉर की विक्ट्री की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रही थी। वेटमोर लैंडफोर्ड की स्पीच को रोकते हुए सबको वार्न करने लगता है कि अचानक उसके सिर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में ओकुन दीवारों पर फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा था जब उसे भी सेम पेन होता है। इसी तरह उम्बुटू की भी यही हालत थी। मून पर लोग शॉक हो जाते हैं जब वो दूसरी एरियल मदरशिप को उनकी तरफ आते हुए देखता है। चार्ली जल्दी से शटल का कंट्रोल लेकर जेक और डेविड को वापस पिक कर लेता है। एडम्स को अर्थ पर यह न्यूज मिलती है जिससे सेलिब्रेशन कैंसल हो जाती है। वो स्पीयर को पकड़कर जाने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि एक नई स्पेसशिप की अपनी खुद की ग्रेविटी थी जिससे उनका शटल उस तरफ खींचने लगता है। जियांग पायलट को भेजता है और जॉइंट वेपन को एक्टिवेट करता है लेकिन निशाना चूक जाता है। पायलट वापस आ जाता है। स्पेसशिप उनके शॉट्स को वापस फेंकता है जिससे उनका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियांग सबको बाहर निकालने को कहता है क्योंकि शिप मून के काफी क्लोज होकर निकलती है जिससे बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ईएसडी ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है लेकिन वो स्पेसशिप उनके शूट करने से पहले सारी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ ही देर बाद ये स्पेसशिप जेक के शटल को ड्रैग करती हुई अर्थ पहुंच जाती है। टक्कर होती है, शहरों में डिस्ट्रक्शन होने लगती है और शिप की ग्रेविटी की वजह से लोग और बिल्डिंग्स को उसकी तरफ खींचने लगते हैं। डेविड समझ जाता है कि ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन में लैंड करना चाहता है। लैंडफोर्ड समंदर के किनारों में रहने वाले लोगों को खाली करने का ऑर्डर देती है लेकिन कुछ बोट्स तक मैसेज पहुंचता ही नहीं। डेविड के फादर जूलियस समंदर के बीच में थे जब वो शिप को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वो डेविड को कॉल करके बताते हैं कि ये शिप पहले वाले शिप से काफी ही ज्यादा बड़ी है। स्पेसशिप लैंड करती है जिससे जूलियस की बोट एक दूसरी बोट से टकरा जाती है और उसकी कॉल कट जाती है। मून से काफी पायलट्स लोगों को बचाने आते हैं लेकिन डायलन वहाँ टाइम से नहीं पहुंच पाता और एक औरत हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ नीचे गिर जाती है। वेटमोर और पेट्रिशिया एरिया 51 में आदम से मिलते हैं। ओकुन भी अपने रूम से भाग कर मीटिंग ज्वाइन करता है। उनके केजेस में बंद हुए एलियंस अब बेकाबू होने लगे थे। ओकुन समझता है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब डेविड और बाकी सब पहुंचते हैं तो वेटमोर सील रूम में जाता है जहां वो एक एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए उसे रिलीज करता है। एलियन वेटमोर से कम्युनिकेट करने के लिए उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि वो सब अब पहुंच चुके हैं। कैथरीन उसे सर्कल सिंबल दिखाती है जिससे वो एलियन घबरा जाता है। सोल्जर समझ जाते कि वो वेटमोर को मारने वाला है तो वो उसे रोकने के लिए शूट करते हैं लेकिन बुलेट से उसे कुछ भी नहीं होता। उम्बुटू ब्लेड से उसे मार देता है लेकिन वो बॉडी सिर्फ एक आर्मर थी जिसके अंदर एक छोटा सा एलियन आता है जिससे उम्बुटू तुरंत मार देता है। इधर समंदर के किनारे दो भाई बहन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था ड्राइव करके अपने लिए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और उन्हें ड्राइव करते हुए जूलियस की बोट दिखती है जिसमें एक आदमी वहां बेहोश पड़ा था। उन्हें पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। एरिया 51 की टीम स्पेसशिप को स्कैन करती है जिससे डेविड को पता चलता है कि एलियंस की क्वीन यहाँ पहुंच चुकी है। फिर एक एयरक्राफ्ट इन्हें सी का लाइव व्यू दिखाता है जिससे पता चलता है कि ये स्पेसशिप भी अर्थ में छेद कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये एलियंस को अर्थ के कोर से कुछ चाहिए और एक बार इन्हें वो मिल गया तो ये सारे ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। डेविड कहता है कि फर्स्ट वॉर में वो लोग स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही जीते थे। इसका मतलब उस स्पेसशिप के अंदर भी कोई क्वीन थी। वो कहता है कि उन्हें इस शिप को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ क्वीन को मार देना चाहिए। लैंडफोर्ड क्वीन को ढूंढने का मिशन परमिट करती है और सभी पायलट्स रेडी होते हैं। पायलट स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं जो कि अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। पायलट्स पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसके टॉप पर नहीं पहुंच पाते। जैक कहता है शिप के अंदर घुसना ही अब एक ऑप्शन है। डायलन को पता चलता है कि अब ये डेंजरस है लेकिन यही एक रास्ता है। वो लोग अंदर पहुंचकर हैरान होते हैं कि शिप के अंदर तो जैसे ही अलग ही दुनिया है। अचानक व्हाइटमोर जाग जाता है और पेट्रिशिया को बताता है कि क्वीन जानती है कि वो लोग वहां आ रहे हैं। पेट्रिशिया भागते हुए एडम्स को बताती है कि ये क्वीन की चाल है लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्वीन ने एक वेव छोड़ी जिससे सभी जेट्स डिसेबल हो जाते हैं। सभी जेट्स गिरने लगते हैं लेकिन उससे पहले वो अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने बॉम्ब्स रिलीज कर देती है लेकिन वहाँ एक्सप्लोजन होता ही नहीं क्योंकि क्वीन एक एनर्जी फील्ड के अंदर थी। अचानक उस स्पेसशिप से दूसरी वेव निकलती है जो इतनी बड़ी थी कि एरिया 51 और प्रेसिडेंट बंकर के सभी सैटेलाइट डिसेबल हो जाते हैं। स्पेसशिप इसी का फायदा उठाकर बंकर पर अटैक करती है और लैंडफोर्ड के साथ सबको मार देती है। कुछ देर बाद सारे मिलिट्री लीडर्स एरिया 51 पहुंचकर आदम्स को नया यूएस प्रेसिडेंट बना देते हैं। कैथरीन उम्बुटू को ओकुन ड्रॉइंग दिखाती है जिसमें से कुछ को वो ट्रांसलेट करता है। उसमें वॉर के बारे में कुछ लिखा था, साथ ही अर्थ में पहुंचने वाले किसी एनिमी को रोकने के बारे में भी लिखा था। उम्बुटू समझ जाता है कि वो स्पीयर उनकी हेल्प करने आया था।
स्पेसशिप के अंदर जेक डैलन और बाकी पायलट्स गिरने से बच जाते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए इस दुनिया में ही कहीं छुपना होगा। बेस में ओकुन एक लेजर से कैप्सूल को ओपन कर देता है और स्पीयर को स्कैन करता है, लेकिन उससे कोई सिग्नल नहीं मिलता। फ्लूइड स्पीयर के पास जाकर उसे टच करता है, वो सरफेस उसे अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद स्पीयर एक्टिवेट हो जाता है और फ्लूइड को छोड़कर इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगता है, जो उसने फ्लूइड के माइंड से सीख ली थी। उसी समय क्वीन के सिस्टम पर कुछ दिखता है, जिसे पढ़कर वो एक बहुत बड़ा आर्मर पहन लेती है। स्पेसशिप एक नए अटैक को अंजाम देने निकल चुका था, जिससे अंदर बैठे पायलट सिर्फ देख ही सकते थे। स्पीयर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसे इस खतरे के बारे में पता चल गया था और वो ह्यूमंस को वार्न करने आया था, जिससे पहले उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। स्पीयर की स्पीशीज ने इन एलियंस को पहले भी हराया है। ये एलियंस अलग अलग प्लैनेट्स के कोर को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ये स्पीयर अपने प्लैनेट का आखिरी सर्वाइवर है, जिसका सिस्टम सुपीरियर टेक्नोलॉजी होल्ड करता है। वो एक हिडन प्लैनेट में अलग अलग दुनिया के रेफ्यूजीज को इन एलियंस को हराने के लिए वेपन्स बनाना सिखाता है, इसलिए एलियंस इनसे डरते हैं। अब क्योंकि स्पीयर एक्टिवेट हो चुका है, तो क्वीन उसे ट्रैक कर सकती है। डेविड कहता है कि अगर क्वीन यहाँ आ रही है तो वो उसे पहले वाली क्वीन की तरह हरा सकते हैं। ओकुन और डेविड स्पीयर को एक आइसोलेशन चेंबर में छुपाने को कहते हैं और इसके रेडिएशन सिग्नल को किसी बॉम्ब में डाल दिया जाएगा, जिससे क्वीन उसके सिग्नल को फॉलो करती हुई ट्रैप में फंस जाएंगी। अब इन लोगों को बस क्वीन की लोकेशन का पता लगाना है। आदम बताता है कि उसके पास फर्स्ट वॉर का रडार ट्रक है। आदम और डेविड बचे हुए पायलट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि सैटेलाइट डिसेबल हो चुकी है और बॉम्ब को डिटोनेट करने के लिए किसी को मैन्युअली फ्लाई करना होगा, जिसका मतलब है कि किसी पायलट को सैक्रिफाइस करना होगा। पेट्रिशिया मिशन के लिए आगे आती है, लेकिन विटमोर उसकी बातों को काटता हुआ मिशन एक्सेप्ट करता है। इधर जूलियस को होश आता है और वो उन बच्चों को उसे एरिया 51 ले जाने को कहता है। वो एक गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक स्कूल बस दिखती है, जिसका ड्राइवर उसमें नहीं था। तो जूलियस उन सब बच्चों को बस में बिठाकर एरिया 51 की तरफ चलता है। मदरशिप के अंदर पायलट को एलियंस का हैंगर दिखता है। जेक उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी इंसल्ट करता है और उनकी फ्लोर पर टॉयलेट कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए उसका फ्रेंड जेट चुरा लेता है। एलियन जेक को शूट करने लगता है, लेकिन इससे पहले जेक को कुछ होता, पायलट जेट्स को स्टार्ट करके जेक को पिक कर लेते हैं। एलियंस उन्हें चेस करने लगता है और दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ उन लोगों का एलियंस के साथ बैटल होता है। कुछ देर बाद पायलट्स डोर्स क्लोज होने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। बेस पर हर कोई अटैक करने के लिए रेडी था। पेट्रिशिया अपने फादर को जाते हुए देखती है और उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। जूलियस बेस पर जैसे ही बस लेकर पहुंचता है, क्वीन भी अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाती है। एलियंस और बेस दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा ओपन फायर होने लगता है। डेविड की नजर बस पर पड़ती है, जिससे वो प्रोटेक्शन के लिए अपने पास ले लेता है। स्पीयर को आइसोलेशन चैम्बर में रखा गया था और क्वीन वेटमोर का पीछा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि रियल सिग्नल वहीं से आ रहा है। पेट्रिशिया अपने जेट अपने फादर के बगल से ले जाते हुए गुडबाय कहती है। डेविड एलियंस की आर्मी को एक शील्ड में बंद कर देता है, जिससे एक्सप्लोजन अंदर ही रह जाए। वेटमोर क्वीन की शिप के अंदर एंटर करता है और बॉम्ब्स को डिटोनेट कर देता है। कुछ देर टीम को लगता है कि वो लोग जीत चुके थे, लेकिन किसी वजह से एलियन की आर्मी अब भी अटैक कर रही थी और बेस का सबसे बड़ा वेपन खत्म कर दिया गया था। जैसे स्मोक क्लियर होता है तो पता चलता है कि क्वीन अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने खुद को अपनी एनर्जी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लिया था। डेविड जूलियस के साथ बस में बैठ जाता है, क्योंकि क्वीन उन्हें चेस कर रही थी। सभी सोल्जर स्पीयर को एलियन से बचाने के लिए बेस पर वापस चले जाते हैं, जबकि पायलट क्वीन पर अटैक कर रहे थे, जिसकी शील्ड उसे बचा रही थी। बोट क्रू देखता है कि अब सिर्फ 6 मिनट्स बचे हैं। इधर पेट्रिशिया नोटिस करती है कि क्वीन अटैक करते समय अपनी शील्ड को कुछ सेकंड्स नीचे रखती है। इसी का फायदा उठाकर वो उसका वीक स्पॉट पर शूट करती है, जिससे उसकी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कमजोर हो जाती है। क्वीन अपना बदला लेने के लिए पेट्रिशिया के जेट को हिट करती है, लेकिन पेट्रिशिया क्रैश से पहले पैराशूट से एस्केप कर जाती है। क्वीन उसके पीछे जाने लगती है कि तभी डायलन और बाकी सब क्वीन पर उसकी टेक्नोलॉजी से ही अटैक करते हैं। बेस के अंदर हम देखते हैं कि एलियंस ने स्पीयर को ढूंढ लिया था, जिसे ओकुन और आइजेक्स ने छुपा रखा था। एलियंस अपनी क्वीन को लोकेशन सेंड कर देते हैं। डायलन और उसकी टीम का कंट्रोल उनके जेट से हटा जाता है, क्योंकि क्वीन ने अपने सारे जेट्स को अपने पास बुला लिया था, जिससे कि वो उसके लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहे थे। उम्बुटू और फ्लॉयड भागकर आइसोलेशन रूम में एलियन से फाइट करने लगते हैं, जिसमें आइजेक्स और एलियन की वजह से मारा जाता है। उम्बुटू और फ्लाइट सभी एलियंस को मार गिराते हैं। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे जब क्वीन बेस पर पहुंच जाती है और स्पीयर तक पहुंचने के लिए सब कुछ तोड़ने लगती है। डायलन जेट शील्ड को टोर्नेडो का नाम देता है, जिससे जेक को एक आइडिया आता है। वो मैनुअल थ्रस्टर्स को
एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उनका जेट्स आग की तरह हो जाता है और वो उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। क्वीन बेस को तोड़कर स्पीयर को पकड़ लेती है। पायलट के जेट्स वापस उनके कंट्रोल में आ गए थे। वो लोग क्वीन पर ओपन फायर करने लगते हैं, जिससे वो अपने आर्मर से बाहर निकल जाते हैं। क्वीन वहां से भागने की कोशिश करती है और ऑलमोस्ट बस तक पहुंच ही जाती है कि डेविड रिवर्स ड्राइव करने लगता है, जब अचानक क्वीन गिरकर मर जाती है और उसके हाथ से स्पीयर छूट जाता है, जैसे कि फर्स्ट वॉर में हुआ था। क्वीन के मरते ही सारी एलियन शिप्स रुककर जमीन पर गिरने लगती है। पूरी अर्थ पर यह विक्ट्री सेलिब्रेट की जाती है और ओकुन कंफर्म करता है कि स्पीयर बिल्कुल सही सलामत है। डेविड को डर है कि अर्थ एक और ऐसे अटैक से बच नहीं पाएगा, लेकिन ओकुन उसे याद दिलाता है कि स्पीयर एक प्लेनेट पर एलियंस को हराने की ट्रेनिंग देता है और ह्यूमंस को बचाने का नेक्स्ट स्टेप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।